नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। 24 और 25 जुलाई को न चंद्र ग्रहण न होगा सूर्य ग्रहण। शनि को छिपा लेंगे चंद्रमा अपनी ओट में। 18 साल बाद दिखेगा अद्भुत नजारा। आपने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में न केवल सुना होगा बल्कि आपके जीवन काल में एक से अधिक अवसर ऐसे आए भी होंगे जब सूर्य या चंद्र ग्रहण रहा हो। लेकिन अब अंतरिक्ष में जो दुर्लभ खगोलीय घटना घटने वाली है वह अकल्पनीय, अनूठी और अद्भुत है। आध्यात्म, ज्योतिष और अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखने वाले लोग बेसब्रे से इस नजारे को देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। शनि पर चंद्र ग्रहण की यह खगोलीय घटना करीब 18 साल बाद घटित होने जा रही है। 24 और 25 जुलाई की मध्य रात्रि में शनि ग्रह पर यह नजारा दिखाई देगा। जो लोग खगोल विज्ञान या ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनके लिए यह अवसर रिसर्च और अनुसंधान का है। आसमान में होने वाली इस खगोलीय घटना का अद्भुत नजारा देखने की उत्सुकता बनी हुई है। वैज्ञानिक बताते हैं कि 24 और 25 की मध्य रात्रि में चंद्रमा शनि को अपनी ओट में छिपा लेंगे, यानी शनि पर चांद का पहरा होगा। इस स्थिति को वैज्ञानिक लूनर ऑकल्टेशन ऑफ सैटर्न बता रहे हैं। ऐसा होगा नजारा, ये जानिए। शनि ग्रह पर चंद्र ग्रहण होने पर विज्ञान के अनुसार जब चंद्रमा शनि को अपनी ओट में छिपा लेगा तब चंद्रमा के पीछे छिपे शनि ग्रह छल्ले के रूप में ही नजर आएंगे। ये नजारा 24 जुलाई की रात 1:30 बजे शुरू होगा। धीरे धीरे चंद्रमा आगे बढ़ेंगे। 15 मिनट बाद यानी 1:45 बजे तक चंद्रमा शनि को पूरे तरह अपने ओट में ले लेंगे, ढक लेंगे। इसके 45 मिनट बाद यानी 2:25 पर शनि ग्रह चंद्रमा के पीछे से निकलते हुए दिखाई देंगे। वर्षों बाद दुर्लभ दृश्य आप भी देख पाएंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार पहले चंद्र ग्रहण लगता है फिर सूर्य ग्रहण, लेकिन शनि पर चंद्रमा ग्रहण जैसी घटनाएं दुर्लभ खगोलीय घटना मानी जाती है। इससे पहले मार्च में चंद्र ग्रहण था। शनि चंद्र ग्रहण का असर भारत में तो रहेगा ही, साथ ही साथ श्रीलंका, म्यांमार और चीन में भी दिखाई देगा। हालांकि इन देशों में समय भारत से अलग होगा। दोनों ग्रह यानी शनि और चंद्रमा अपनी गति से भ्रमण करते हुए रास्ता बदलते हैं। तब ऐसा नजारा होता है कि शनि चंद्रमा के पीछे से उदय होते दिखाई देते हैं। फिर कब होगा ऐसा नजारा? यह दुर्लभ खगोलीय घटना जो 24 और 25 जुलाई 2024 को होने जा रही है, ऐसा अद्भुत नजारा 3 महीने बाद 14 अक्टूबर की रात एक बार फिर शनि का चंद्र ग्रहण होगा। प्रिय साथियों, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, इसे खुली आंखों से देखने के लिए मना किया गया है। दूरबीन की सहायता से देखे जाते हैं, लेकिन शनि चंद्र ग्रहण के इस अद्भुत नजारे को आप खुली आंखों से देख सकेंगे। हालांकि शनि के छल्ले को देखने के लिए छोटी दूरबीन की आवश्यकता हो सकती है। प्रिय साथियों, आप भी शनि चंद्र ग्रहण का नजारा अपनी आंखों से देख सकते हैं। शनिदेव और चंद्रमा की कृपा आप पर रहे, ऐसी मैं कामना करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। प्रिय साथियों, 22 जुलाई से भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित हैं और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है और 22 जुलाई के बाद चारों सोमवार पर आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।